तो आज की जो पोइट्री है वो कलम पे है कि उसका और मेरा रिलेशन कैसा है। तो शुरू करते हैं। कलम मेरी वो शब्द लिखती है जिन्हें बयां मैं कर नहीं सकती। कलम मेरी वो शब्द लिखती है जिन्हें बयां मैं कर नहीं सकती। वफादारी इसकी देखने लायक है, जब भी लिखो जितना भी लिखो या कभी ना थकती। शब्द अक्सर कम पड़ जाते हैं मेरे पास, शब्द अक्सर कम पड़ जाते हैं मेरे पास, मगर इसके पास तो पिटारा है। ना जाने कैसे कागज़ पर वो लिख जाती है जो मेरा दिल कहना चाह रहा है। गहरा नाता है इसका मेरे साथ, या यूँ कह लो कि मैं इसके बिना रह नहीं पाती। गहरा नाता है इसका मेरे साथ, या यूँ कह लो कि मैं इसके बिना रह नहीं पाती। जुबान नहीं है इसके पास, पर फिर भी हमेशा सच्चाई है कह जाती। शुक्रिया। अब एक टाइम आया, मैंने राइटिंग बीच में छोड़ दी बिकॉज ऑफ स्टडीज़। तो उसके बाद क्या हुआ है, उस पे आगे की लाइन है कि तारीफ इसकी मैं करती नहीं, तारीफ इसकी मैं करती नहीं, पर आज मजबूर कर दिया इसने मुझको। बस एक सवाल है मेरा तुझसे कि आज इतनी देर के बाद याद करने पर भी कैसे कैसे मेरे दिल की बात पता चल जाती है तुझको। तुझे छोड़कर भी देखा दिल और भी चीज़ों पर फेंका, तुझे छोड़कर भी देखा दिल और भी चीज़ों पर फेंका, पर आखिर में याद तेरी ही आई जब आँखों में मेरी नमी सी छाई। एहसास हो गया मुझको, एहसास हो गया मुझको कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। मेरे शब्द तेरे साथ ही होते पूरे हैं, सिर्फ तेरे साथ ही होते पूरे हैं। एंड में अब एक शेर है, इसी पे लिखा है। जानती हूँ मैं मुझे हौसला देने के लिए हमेशा मेरे संग है तू, जानती हूँ मैं मुझे हौसला देने के लिए हमेशा मेरे संग है तू, अगर मैं परिंदा हूँ तो मेरे पंख है तू, मेरे पंख है तू। थैंक यू।